हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे जो मार्जिन ट्रेडिंग है, आप इसको एंजल ब्रोकिंग अंदर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। जब आप मार्जिन ट्रेडिंग करेंगे तो आपका लीवरेज कितनी, आपको पर स्टॉक में लीवरेज कितनी मिलेगी, उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट डिडक्शन होगा पर मंथ या फिर पर डे, आपका कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, इसमें आपको जो मार्जिन मिलेगा आप उसको प्लेज करना पड़ेगा, तो प्लेजिंग का जो टाइम होगा वो किस टाइम पर आपको प्लेज करना पड़ेगा, आप उसी स्टॉक को मैक्सिमम कितने दिन के होल्ड कर सकते हैं, इन सारी बातों का आपको उसमें सब वीडियो में पता चल जाएगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने YouTube नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा कि मार्जिन ट्रेडिंग होती क्या है। ये सेम मार्जिन ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग, ये सेम सेगमेंट होता है एक तरह से, बट इसमें डिफरेंस क्या होगा, डिलीवरी ट्रेडिंग में आपका जो टोटल फंड होगा आपके अकाउंट में उसी से आप ट्रेडिंग कर सकेंगे, बट मार्जिन ट्रेडिंग में क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा लीवरेज मिल जाती है। वो एक्स्ट्रा लीवरेज, लीवरेज का मतलब ये हुआ कि आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपये हैं तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग सिर्फ 1 लाख रुपये तक की कर सकते हैं। अगर आपको सेम मार्जिन ट्रेडिंग करनी है तो आपको 1 लाख के बजाय 5 लैक्स, 4 लैक्स, ये जो 5 लैक्स या 4 लैक्स वो डिपेंड करेगा आपका कौन सा स्टॉक आप बाइंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल में अगर आप रिलायंस का स्टॉक को बाय करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्जिन 5 टाइम्स के अप्रोक्स मिल जाएगा, बट आप इसी सिचुएशन में टाटा पावर को बाय करेंगे तो आपको 4 टाइम्स मार्जिन मिलेगा। तो ये जो मार्जिन मिलता है ये डिपेंड करता है आपका कौन सा स्टॉक है। तो निफ्टी 50 के जो मोस्टली स्टॉक हैं उसमें आपको मोस्टली 5 टाइम्स मार्जिन मिलेगा, उसके बाद निफ्टी 100 में आएंगे तो आपको 4 टाइम्स अप्रोक्स मार्जिन मिलता है। जिस तरह नीचे जाते जाएंगे कैटेगरी वाइज तो आपको मार्जिन कम हो जाएगा, बट टॉप कैटेगरी में आपको 5 टाइम्स मिलेगा, उसके बाद 4 टाइम्स मिलेगा, उसके बाद 3 टाइम्स मिलेगा, और 3 के बाद आपका कोई ऑप्शन 2 टाइम्स का नहीं आता, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स है। ये होगा मार्जिन ट्रेडिंग क्या होगी, मार्जिन आपको कैसे लीवरेज मिलती है। लीवरेज आपको मैक्सिमम 5 टाइम्स निफ्टी 50 के अंदर, 4 टाइम्स निफ्टी 100 के अंदर, 3 टाइम्स निफ्टी 200 के अंदर, बट ये भी डिपेंड करेगा कौन सा स्टॉक है। ये भी मार्जिन ट्रेडिंग। अब मार्जिन ट्रेडिंग जब आप बाइंग करेंगे कोई भी स्टॉक को तो आपको उसको प्लेज करना पड़ेगा। ये प्लेज और अनप्लेज का क्या मतलब है, और ये प्लेज करने के बाद उसी स्टॉक को आप कितने दिन होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले प्लेज क्या होगा, देखो अगर आपने कोई भी स्टॉक मार्जिन ट्रेडिंग अंदर बाइंग पोजिशन क्रिएट करी तो आपको उस स्टॉक को प्लेज करना पड़ेगा। प्लेज किस सिचुएशन में करा जाएगा, अगर आप उसी स्टॉक को 7 डेज के आगे होल्ड करना चाहते हैं। अगर आपको उसी स्टॉक को 7 डेज तक होल्ड करना है तो आपको प्लेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप उसी स्टॉक को चाहते हैं कि मैं 1 मंथ, 2 मंथ या फिर 3 मंथ होल्ड करूँ, और मैक्सिमम आप 90 डेज होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने उसी स्टॉक को प्लेज करा तो आपको 90 डेज होल्ड करना कर सकते हैं मैक्सिमम, उसके एक्स्ट्रा डेज में आप फिर भी होल्ड नहीं कर सकते। एक लिमिट है, प्लेज करने के बाद भी आप 90 डेज को होल्ड कर सकते हैं, विदाउट प्लेज आप 7 डेज होल्ड कर सकते हैं। ये हुए प्लेज और अनप्लेज। अनप्लेज करने की आपको जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप उसी स्टॉक को सेल करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक अनप्लेज हो जाता है आपके अकाउंट से। आपको सिर्फ प्लेज करने की जरूरत पड़ती है, जिसका चार्ज लगता है 20 रुपीज़ प्लस GST पर 1 क्लिक पे। 1 क्लिक का मतलब ये हुआ कि तो मैंने आपको चार्ज बताया, चार्ज कितना कटेगा, 20 रुपीज़ प्लस GST। GST कितना होगा, 3.60, तो टोटल होगा आपका 23.60 पर 1 स्टॉक प्लेज का। आपको किसी स्टॉक को अनप्लेज करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आप किसी स्टॉक को सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अनप्लेज हो जाता है आपके अकाउंट से। तो इसी वजह से प्लेज का आपका चार्ज लगता है, अनप्लेज का आपका चार्ज नहीं लगता। ये थी प्लेज और अनप्लेज। आप किसी स्टॉक को प्लेज कैसे करेंगे, जो भी आप मार्जिन में स्टॉक को बाय करेंगे आपके पास एक लिंक आएगा शाम को विद इन 24 आवर्स। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो जो मार्जिन के स्टॉक होंगे वो आप उन पर टिक करके सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे, तो रिक्वेस्ट के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी पे एक OTP आएगा। जब आप उस OTP को सबमिट करेंगे, OTP सबमिट करने के बाद आपके जो मार्जिन के स्टॉक हैं वो प्लेज हो जाएंगे। प्लेज करने के बाद आपके पास बेनिफिट ये होगा कि आप उसी स्टॉक को 90 डेज होल्ड कर सकते हैं, विदाउट प्लेज आप 7 डेज होल्ड कर सकते हैं, अनप्लेज ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से हो जाएगा। ये मैंने प्लेज की प्रोसेस बता दिया, आप किसी स्टॉक को प्लेज कैसे कर सकते हैं, प्लेज क्यों नीड होता है, अनप्लेज क्यों नीड होता है, या फिर कैसे अनप्लेज होगा। तो आगे हम बात करेंगे आपका इंटरेस्ट कितना लगेगा, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी, और T+2 डेज कैसे आपका इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। अभी तक मैंने आपको यही बताया कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या है, लीवरेज आपको कितनी मिलती है, आप किसी स्टॉक को मैक्सिमम कितने दिन होल्ड कर सकते हैं, प्लेज कैसे करेंगे, अनप्लेज कैसे करेंगे, उसका चार्ज कितना कटेगा अनप्लेज अनप्लेज का। उसके बाद एक लास्ट में बताऊँगा आपको शॉर्टफॉल कैसे आएगा। जब आपके पास शॉर्टफॉल आता है तो आप कैसे अमाउंट को ऐड करना है, या फिर आप शॉर्टफॉल से कैसे बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट की, आपका इंटरेस्ट कितना लगेगा। आप 1 लाख रुपये का एक्स्ट्रा मार्जिन यूज करेंगे तो आपका टोटल 50 रुपीज़ पर डे आपका इंटरेस्ट डिडक्ट होगा आपके अकाउंट से। बस 50 रुपीज़ आपका डेली नहीं कटेगा आपके अकाउंट से, जो 15 दिन का टोटल मिला के 15 तारीख को, उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन का 30 तारीख को। ऐसे मान लो आपने डेली आपका 50 रुपये डिडक्ट होता अकाउंट से
इंटरेस्ट तो आपका 15 दिन का 750 रुपीज़ आपको ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, अगले 15 दिन का 750 फिर हो जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैंने बता दी, 1 लाख पे आपका 50 रुपीज़ जाएगा। और जो ये स्टार्ट होता लगना, ये T+2 डेज़ में होता है। T+2 डेज़ का मतलब ये हुआ कि जब आप जिस दिन से आपने ट्रेडिंग करी और अगले 2 दिन 3 दिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, चौथे दिन से आपका लगना शुरू होगा। आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप मंडे को आपने कोई ट्रेडिंग करी तो ट्यूजडे और वेडनेसडे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, थर्सडे से अपना लगना स्टार्ट हो जाएगा 50 रुपीज़ 1 लाख के ऊपर। ये हुआ कि आपको T+2 डेज क्या होते हैं, जिस टी का मतलब ये होता है ट्रेडिंग डे, प्लस टू मतलब अगले 2 दिन। उसके बाद आपका शॉर्टफॉल का मैसेज किस टाइम पे आता है, शॉर्टफॉल का मैसेज ऐसे आएगा कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये हैं, आपको लिमिट प्रोवाइड करी मैक्सिमम 5 टाइम्स, तो आपके टोटल हो गए 5 लाख रुपीज़। आपने मार्जिन ट्रेडिंग करी, टोटल 5 लाख से टोटल आपने ट्रेडिंग यूज़ कर लिया, मतलब कि आपके अकाउंट में कोई बैलेंस बाकी नहीं है, क्लाइंट साइड से भी, एंजल ब्रोकिंग की साइड से या फिर अपने साइड से आपका 0 हो चुका है। अगले दिन वही स्टॉक 1% डाउन चला जाता है, तो जो 1% की वैल्यू होगी टोटल, 5 लाख का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट थी उसका 1% मतलब 5000 रुपीज़, आपके पास एक शॉर्टफॉल का मैसेज आ जाएगा। ये इसलिए आएगा क्योंकि आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आपके पास भी लिमिट नहीं है, और क्लाइंट साइड से जो एंजल ब्रोकिंग वहाँ भी आप लिमिट पूरी यूज कर चुके हैं, तो इस वजह से जो 5000 है वो माइनस में 1% गया है, वो तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप उसको पे नहीं करेंगे तो आपको एक पेनल्टी लगती है, शॉर्टफॉल पेनल्टी बोला जाता है, वो आपकी पेनल्टी चार्ज होगी, या फिर आपके जो 5000 के स्टॉक होंगे ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे। वो आपके पास मैसेज आएगा, उस मैसेज में लिखा होगा कि आप इतने अमाउंट को ऐड करो आपके अकाउंट में, अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपके इतने अमाउंट के जो स्टॉक है ऑटोमेटिक सेल कर दिए जाएंगे इस डेट को, वो डेट मेंशन होगी। इसी वजह से मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी आप मार्जिन यूज करें, अगर आप 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है तो आपको 4 टाइम्स या 4.5 टाइम्स तक मैक्सिमम यूज करें। इससे आप एक शॉर्टफॉल से बच सकते हैं, पेनल्टी से बच सकते हैं, और आपको फिर भी कोई ऐसा हुआ कि मतलब आगे कोई मार्जिन में स्टॉक बाय करना है थोड़ा सा, आप उसको भी बाय कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा मार्जिन बचा के रखें जिससे कि आपके पास शॉर्टफॉल का मैसेज ना आए। मार्जिन ट्रेडिंग यही होगी, आपको बाय कैसे करना किसी भी स्टॉक को, यहाँ पर आप क्वान्टिटी डालेंगे, क्वांटिटी के बाद आप किस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, लिमिट और मार्केट आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी उन वीडियो को देख सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग की वीडियो आपको मिल जाएंगी, 5 पैसा की मिल जाएंगी, जरोदा या फिर हर ब्रोकिंग फर्म की आपको वीडियो मिल जाएंगी। उसके बाद जब आप बाय करेंगे इसी स्टॉक का, मार्जिन का ऑप्शन आएगा, सिर्फ इस पर क्लिक करना है। मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक देखो, एक मैंने क्वांटिटी डाली 213 रुपये इसका प्राइस चला हुआ, बट मुझे पे कितने करने, 53 रुपीज़, यहाँ पर मुझे 4 टाइम्स मार्जिन मिला। ऐसे आप किसी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जब मार्जिन में क्लिक करके बाय पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक बाय पे मार्जिन के साथ आपका स्टॉक बाइंग पोजीशन में चला जाएगा, इस तरह आपका स्टॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर आप करंट रेट पे बाय कर रहे हैं लिमिट के साथ जो आपका प्राइस होगा। इसी तरह आप मार्जिन में किसी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया मार्जिन ट्रेडिंग क्या, होल्ड कितने दिन कर सकते हैं, 7 और 90 डेज होल्डिंग कैसे होगा, शॉर्टफॉल क्या चीज़ होती है, आप कैसे बच सकते हैं इससे, इंटरेस्ट आपका कितना जाएगा, आपकी पेनल्टी कितनी लगती है, या आपको लेवरेज कितनी मिलती है। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।